पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल देखिए, बिहार के लिए काफी बड़ा दिन था। जो 1,70,000 बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें लगभग 1,25,000 के आसपास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बिहार सरकार के द्वारा बांटा जा रहा था। काफी अच्छी पहल थी, शिक्षकों के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने को मिल रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं राजद को एक तरफ जहां मजबूती मिल रही है, श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद भी बिहार में राजनीति गर्म है। जहां एक तरफ विपक्ष में बीजेपी की सरकार लगातार इस नियुक्ति पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं राजद के कई मंत्रियों का बयान आ रहा है। इतना ही नहीं, अब राजद के मंत्री हर सेक्टर में चाहते हैं कि वैकेंसी निकाले। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो वो कहते हैं कि हम आपके लिए भी वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी सरकारी नौकरी कीजिए और तनाव मुक्त रहिए। कृषि मंत्री सर्वजीत हैं, वो पत्रकारों के सवाल पर भी क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। जवाब में जिस तरीके से उन्होंने सरकारी नौकरी का जिक्र कर दिया, ऐसे में पत्रकारों को वो कह रहे हैं कि आप भी सरकारी नौकरी कीजिए और तनाव मुक्त रहिए। जरा सुनिए कृषि मंत्री सर्वजीत तमाम विषयों पर अपनी राय क्या कुछ रख रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां देंगे, तो दिक्कत कहाँ पे आई? हम लोगों को भी दिक्कत आई, हम लोग चाहते थे कि देश के और बिहार के नौजवानों को हम लोग कलम बांटे, लेकिन तलवार बांटने वाले जो लोग थे उनको बड़ा दर्द हो रहा था। वो चाहते हैं कि बिहार के नौजवान हमेशा तलवार लेके, लेकिन बिहार के मुखिया और उप मुखिया दोनों चाहते हैं कि नौजवान कलम लेके चले। अभी तो शुरुआत हुई, हम तो कई नौजवान पत्रकार के साथियों से भी आग्रह करें कि आप जो दबाव में इतना काम करते हैं बड़े बड़े चैनलों के साथ, बहुत सारी वैकेंसियां निकलेगी, आप लोग भी भरिए, ये तनाव मुक्त हो जाइए। कि हमारी सरकार की हमेशा नीति रही है तनाव मुक्त होकर के काम करना, तो हम बिहार के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कमिटमेंट था कि हम नौजवानों को रोजगार दें, नौकरियां देंगे, हम रोजगार भी दे रहे हैं और नौकरियां भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने दो टूक कर दिया है कि सरकार की उपलब्धि गिनाए, इसको तेजस्वी यादव की उपलब्धि ना गिनाए, राजद के मंत्री। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब वैकेंसी निकले तो आप लोग भी भरिए, झगड़ा लगाने वाला कमुआ जो है नहीं छोड़िएगा। ये आपने नहीं प्रश्न किया कि इतने नौजवानों को नौकरी मिला, बड़ा खुशी का लहर है, ये भी पूछ लिए होते। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये मिर्चाई तुरंत जला दीजिएगा। अरे भाई, नौजवानों में कितनी खुशी है ये नहीं पूछिएगा। और ऐसे भी मैं बता देता हूँ कि लाख कोशिश करिएगा, ये झगड़ा लगने उगने वाला नहीं है, ये जान लीजिए आप। चाहे जितना भी नेगेटिव प्रश्न पूछ लीजिए, कोई झगड़ा नहीं लगेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।